हमेशा जो है गरीबों के वास्ते आ गया है, किसान के लिए भी अब आ गया हुआ है, और लॉकडाउन में भी काफ़ी आप लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया, जो सरकार नहीं कर पाई वो गुरुद्वारा ने किया है, इस बारे में आप क्या? परम सत्कार जो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये आपको मालूम है जो दिल्ली में सभी हिंदुस्तान के किसान, जैसा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, केरला, बिहार, ये सभी किसान जितने भी है, दिल्ली के जितने भी चारों तरफ रोड है उसमें धरना लगा के बैठे हुए, शांत वही धरना है, कोई उसमें भड़काव नहीं है। एकदम जो किसान सरकार से, केंद्र सरकार से अपना हक मांगते हैं, उस संबंध में सभी किसान जो बैठे हुए हैं, और जो तीन बिल है उसको रद्द करना, जो किसानों की आठ मंगे हैं उसको भी हक में फैसला होए किसानों के, लेकिन उस धरने को एक महीने के ऊपर धरना लगे को हुए हैं, बहुत शांतमय धरना चल रहा है। उसमें पूरे हिंदुस्तान के जितने भी भारत देश के सभी किसानवासी है और सभी जितने भी नागरिक है वो सभी किसानों के साथ में है। और जे हम ऐसा भी बोले तो आज अंदाजा 100 से 95% जो जितनी पब्लिक हिंदुस्तान की है वो किसानों के साथ में है, और सभी अपना अपना संजोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और ऐसा ही जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर सभी किसान बैठे हुए हैं, उस संबंध के समर्थन देने के लिए आज मुस्लिम भाई मोहन जी जो नदेड़ के रहते हैं, अभी अपने भाईचारे को साथ में लेकर यहाँ हमारे पास आए हैं कि हम भी उस धरने के अंदर किसानों को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। और जो उधर रस्त है लंगर की, वो व्यवस्था भी बोलते हम जाके करेंगे, और बहुत बड़ी विशाल रूप में अपने जो मुस्लिम भाई है या नदेड़ से, बम्बे से और भी शहरों से, ये इकट्ठे होकर दिल्ली में किसानों के धरने में समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। हम सभी जितने भी मुस्लिम भाई और जो भी यहाँ से पहले, महाराष्ट्र से पहले भी किसान लोग अंदाजा 4-5 हज़ार लोग गए हैं, जो जयपुर से दिल्ली को रोड जाता है उस बॉर्डर के ऊपर, जो महाराष्ट्र के किसान जो है जाके उसने धरना लगाया है और अपना समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ में ही ये जो महाराष्ट्र के जितने भी मुस्लिम भाई है ये भी उस किसान धरने के अंदर समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। हम इसका इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस समय में और विक्रम सिंह संधु जी भी साथ में है, और सभी जितने भी यहाँ पर आए हैं आदरणीय हैं, सभी हम सबका सत्कार करते हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि जो तीन बिल है वो केंद्र सरकार रद्द करे और जो आठ मांगे हैं किसानों की वो पूरी करे, तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं। बाबा जी, जिस तरीके से कल चर्चा है, और अगर रद्द नहीं होते हैं तीन बिल तो उसके बाद क्या रहेगा लंगर साहब गुरुद्वारे के सभी? देखो, कल केंद्र सरकार ने 4 तारीख दी है कि 4 तारीख को सुनवाई होएगी, और अगर 4 तारीख को क्या इसमें तथ्य सामने आता है वो मालूम पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो जो 40 आगू है किसान लोगों के धरने के ऊपर, सभी पूरे देश भर के जितने भी जो मेंबर है कमेटी मेंबर,
और वो अपने आपस में बैठ के फैसला करेंगे, उसके आगे किसानों का क्या फैसला रहेगा वो बता सकते हैं। आपने इससे पहले भी काफ़ी लंगर यहाँ से लेके गया खाने के लिए साहित्य, और आगे भी जाएंगे आप यहाँ से? हाँ, उधर अपने एक सिंघू बॉर्डर में, एक यूपी बॉर्डर में, दो हमारी तरफ में लंगर लगे हुए हैं, और जो 24 घंटे वहाँ पर लंगर चलते हैं, कोई भी खाना खा सकता है। उस धरने के अंदर किसानों के साथ में हम समर्थन दे रहे हैं, और ऐसा ही सभी हिंदुस्तान के जितने भी, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, सभी जो है उसमें जितने भी किसान लोग हैं, एक जाति का नहीं है ये कहने का भाव, जितने भी हिंदुस्तान के किसान लोग हैं, जहाँ ये समझो जो किसान है ये इनकी अर्थव्यवस्था है, किसानी इससे ही सभी देश चलता है। जो अर्थव्यवस्था के साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं, जैसा मजदूर लोग भी इस अर्थव्यवस्था के बीच आते हैं, जैसा पूरे हिंदुस्तान का गाड़ी का चक्का चलता है, ये भी अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा जो भी मान लो दुकान है, चाहे वो कपड़े की है, चाहे वो अनाज की है, चाहे खाने की है, फ्रूट की है, चाहे कोई भी धंधा है, वर्कशॉप है, सभी ए टू जेड जो उसकी बैकग्राउंड में जाके देखे तो किसान के साथ में ही उसकी बैकग्राउंड जुड़ी है, अर्थव्यवस्था के साथ में ही जुड़ी है। ये अर्थव्यवस्था से ही जाके बाद में सरकार बनती है, अर्थव्यवस्था से ही ये सरकार चलती है। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये क्या किसान क्या बोलते हैं, और इसकी मांग पूरी करना, ये ध्यान देना चाहिए सरकार को, और किसानों की मांग पूरी करना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा। मॉडर्न टाइल्स एंड सैनेटरी, आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा, तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स एंड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स एंड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।